हम पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट कल की क्लास में, हमने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और कुछ मैंने बेसिक बातें बताई थी आपको सिंपल इंटरेस्ट की, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था आपको, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसी फॉर्मूले से मैंने बोला था, अगर या तो आप याद कर लो प्रिंसिपल या रेट और टाइम का फॉर्मूला, या फिर इसको वैल्यू पुट करके वैल्यू को लेफ्ट राइट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। या आप जैसे मेरे को मान लो पी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पहले 100 को इधर लेके आऊंगा, एसआई मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू पी, खाली रखना है तो आरओटी इधर ले आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से एसआई इनटू 100 और पी इनटू टी लिख दिया तो आर आ जाएगा वैल्यू बचे, एसआई इनटू 100 अपॉन आर इनटू आर पी इनटू टी, तो आर टी है तो आर आ जाएगा, ठीक है। तो पे की बात है, हाँ बच्चे ठीक है, इस तरीके से निकालो। देखो फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट, कल मैंने अमाउंट भी बता दिया था आपको कैसे निकालना होता, फाइंड द अमाउंट इफ इफ पी इज इक्वल टू 100, पी इज इक्वल टू रुपीज 100, आर इज इक्वल टू 3% पर एनम एंड टी इज इक्वल टू 2 years, ठीक है। 2 years सही है, 24 मंथ, मैं दूर दूर करता हूँ, सर टाइम इज टू, सर आंसर 106, सर ठीक है। निर्विकल्प अगेन रॉन्ग, अर्हंत फ्यूचर राइट, तेजस्वी गलत है भाई, ठीक है। अब मैं सोल्व करवाता हूँ, अब देखो एक बार, बहुत सारे बच्चों का ठीक है पर एक दो बच्चों ने कुछ गलती करी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है बच्चे। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट एसआई, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं एसआई फाइंड आउट करूंगा, देखो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बच्चे क्या होता है, अपॉन 100 क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 100, रेट कितना है बच्चे क्वेश्चन में 3%, टाइम कितना है 2 साल, 100 अब तो सॉल्व करेंगे, 100 टू 100 कैंसिल आउट होगा, कितने 6 क्या है एसआई सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है बच्चे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 100 था सिंपल इंटरेस्ट 6 है, तो 1006 इज राइट आंसर, नोट करो 106, हां 106 सर, 1006 नो सॉरी 106 होगा, 1000 बोला, ठीक है, नोट कर लो जिन बच्चों ने गलती करी है, कहां पे क्या गलती करी, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को आंसर 6 भी भेजा, ऐसा ही नहीं पूछा है, देखा करो क्या पूछा है, क्या प्लस कर दिया सर, 3 प्लस 2 कर दिया, इनटू भी चला, अच्छा ठीक है, नोट कर लो फिर आगे चलते हैं सर, अभी बहुत तेज आवाज आ रही है सर, आप देखो बात कर लो, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ठीक है। देखो फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द, हां जी रेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 400 इज गिवन, एस आई 60 एंड टाइम इज 4 years, एंड बचे टाइम इज 4 years, फोर इयर्स सर 10% है ना, आंसर बताओ सर 10% पर है ना, पता नहीं ना, चैट बॉक्स में भेजो भी आंसर, अगर सही है तो ऐसे कर दो, ठीक है क्यों बढ़ गया, ठीक है भेजो आंसर चैट बॉक्स में आने चाहिए सर, चलो चैट हाँ जी, I am waiting सर, उल्टा you send answer in chat box,
बहुत सारा कुछ बच्चा ठीक है कुछ का गलत भी है। देखो हाँ अब देखो उसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था। या तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 एक ही फॉर्मूला याद है आपको तो इसमें पुट करो ऐसे ही कितना गिवन है बच्चे 60 प्रिंसिपल कितना गिवन है 400 रेट गिवन नहीं है मैं उसको आर लिखता हूँ टी कितना गिवन है बच्चे 4 ईयर्स डिवाइड बाई 100 ठीक है। अब देखो दोनों जीरो कैंसिल आउट किया अब ये 4 इधर 4 बचा इधर 4 ये मल्टीप्लाई राइट साइड आके डिवाइड हो जाएंगे ना सॉरी लेफ्ट साइड राइट मतलब ठीक है ये हो गया आर ठीक है। एक मिनट ठीक है भाई तो आर क्या होगा इनको कैंसिल आउट कर लो ठीक है अब 2 से कैंसिल आउट कर लो पहले 75 हाँ अच्छा ठीक है अब इसको 60/4 रेट आ गया। अब मैं टी का मैं ये कहाँ चला गया अभी लिखा हुआ टी कितना था 4 था ये 100 था ठीक है और ये दोनों कैंसिल आउट कर दें 4/4 इधर आके डिवाइड हो गए थे ठीक है। अब देखो अब 4 से कैंसिल आउट किया कितने में जाएगा 15/4 रेट कितना है 15/4% या तो ऐसे कर लो या आपने रेट हाँ 15/4 तो 3.75 डिवाइड करोगे दिया तो ये भी आंसर ठीक है जैसे ऑप्शन में दे रखा हो वैसे करेंगे या आप कैसे करो रेट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था 100 इंटू एसआई अपॉन प्रिंसिपल टाइम ठीक है। अब देखो 100 आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही कितना था 60 प्रिंसिपल कितना है 400 टाइम कितना है 4 दोनों जीरो कैंसिल आउट देखो 60/4 × 4 सेम बचा ना 4 से कैंसिल आउट किया 15/4% आंसर बचे तो किसी तरीके से आप कर सकते हो एक ही बात है ओके नोट कर लो। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे इस बार टाइम फाइंड आउट करना आपको ठीक है। फाइंड द टाइम नोट करो फाइंड द टाइम व्हेन प्रिंसिपल इज 10,000 रेट इज 18% पर एनम एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12,600 ठीक है बच्चे नोट करो चैट बॉक्स में आंसर। सुनो मेरी बात अभी लगभग ठीक थे कुछ बच्चों के आंसर गलत थे। देखो टाइम निकालना दिया तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाले से कर लो सीधा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 ठीक है। अब ऐसा ही कितना गिवन मुझे प्रिंसिपल इनटू रेट कितना गिवन है बच्चे 18% टाइम गिवन नहीं हुआ टाइम को टी मान लिया हमने और अपॉन 100 इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो दोनों जीरो कैंसिल ये जीरो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड और 18 है वो भी डिवाइड हो जाएगा 12,600 100 भी डिवाइड होगा बच्चे और 18 भी डिवाइड होगा इसको सोल्व कर लेंगे टाइम आ जाएगा दोनों जीरो कैंसिल। अब उसको 18 7 जाए कितना होता है 126 7 टेबल आता है तो 7 टाइम क्या 7 ईयर्स टाइम आ गया बच्चे नोट करो फिर दूसरे मेथड से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट इन हाउ मेनी ईयर्स इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ लिखो सर ये आप क्वेश्चन बच्चे सिंपल इंटरेस्ट ठीक है पहले क्वेश्चन नोट कर लो आता है कोई चैट बॉक्स में भेज दो आता है अदरवाइज मैं सॉल्व करवाऊंगा। देखो इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब क्या फाइंड आउट करना है टाइम कितने सालों में विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ कोई पैसा अगर आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो कितने सालों में डबल हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18.75% पर एनम है सिंपल इंटरेस्ट पर ठीक है तो डबल हो जाएगा तो मतलब मान लो अगर आज मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया 100 ना मतलब जितना पैसा हमारा प्रिंसिपल था उतना ही क्या हो जाएगा
सिंपल इंटरेस्ट भाई डबल होने का मतलब यही है ना, आज हमने 100 इन्वेस्ट किए तो वापस 200 आएंगे, 1000 इन्वेस्ट किए तो 2000 आएंगे, 10000 किए तो 20000, तो जितना प्रिंसिपल है उतना ही क्या हो जाएगा जीविका म्यूट योरसेल्फ, ठीक है जी। तो कोई पैसा जितना इन्वेस्ट किया वो डबल हो गया, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, हमने मान लिया लेट प्रिंसिपल है एक्स, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा एक्स, सिंपल इंटरेस्ट पे क्यों होगा, क्योंकि डबल हो जाएगा। आज मान लो पैसा दिया इंटरेस्ट पे देंगे वापस डबल हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा डबल होकर 2x हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऐसा ही क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसा ही कितना आ गया, x 2x में से x माइनस करो तो x बचेगा मुझे, ओके। तो अब टाइम के रेट कितना गिवन है 18.75% पर एनम, ठीक है। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट कर दो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है बच्चे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला था, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है x है, प्रिंसिपल कितना है x है, रेट कितना है 18.75% और टाइम कितना हमें फाइंड आउट करना है, हमने t अज्यूम कर लिया डिवाइड बाय 100, ओके। सर नीचे डबल जीरो लगा दो, हां लगाएंगे बच्चे रुको, ठीक है। अब मेरे को देखो t फाइंड आउट करना, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना इक्वल के एक साइड बाकी सारी वैल्यू दूसरे साइड, t राइट साइड में तो बाकी सारी वैल्यू लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, x 100 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और x इधर आके डिवाइड होगा 18.75 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको एक साइड बाकी सारी वैल्यू दूसरे साइड, टी राइट साइड में था तो बाकी सारे लेफ्ट में लगे, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ 100/18.75। अब इसको देखो इक्वल टू टी है, अब मैं इसका डेसिमल रिमूव कर लूँ, ठीक है भाई। देखो यहाँ लिख देता हूँ इधर, सर ये क्या है आपने एक्स एक्स कैंसिल हो गया 100 और नीचे लिखा हुआ 18.75, इसका डेसिमल रिमूव करके जीरो लगा, जीरो ऊपर चल जाएगी नीचे लगी तो ऊपर चलेगी। अब इसको 5 से सॉल्व कर ले, 5 × 2 = 10, 0 सर ये दो एक्स के कौन कौन से हैं देख ले यहाँ पे, ठीक है। 5 से 5 से जा नहीं समझ आया 15, अब रिमाइंडर कितना आ जा 3 कैरी 7, 5 7 जा 35, 5 जा 25, अगेन 5 से 5 4 जा 20, 0 0 बचे 5 रुक जा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 35, ठीक है। अभी अगेन 5 से कैंसिल आउट कर लूं 25 15 सर हां सॉरी 15 ये कितना हो जाएगा 580, अब 15 18 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने में जाएगा 16 5 जा 80, ये कितने में जाएगा 3, तो टाइम कितना आ गया 16/3 years, 16/3 year हो गया। सर किससे कैंसिल कर रहा है 5 से, तो 25 तो 3 से नहीं 15 है, 25 थोड़ी है 15 था अभी, ठीक है बच्चे। तो अब 16/3 या तो ऐसे लिख दो या इसको डिवाइड कर लो सर, वो दोनों x कौन बाद में सुनियो ना, जब तो सुनता नहीं हूं 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 देखो 3 5 15 रिमाइंडर कितना बचा बचे 1, या तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 1/3 years या 16/3 years, या हो सकता है आपको ईयर प्लस मंथ दे रखा हो, तो 5 तो कंप्लीट ईयर है ना, 1/3 years कितना होता है, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ, इन वन ईयर 12 मंथ, तो 1/3 उसका कितना हो जाएगा 4, तो 1 5 year and 4 months, अगर ऑप्शन मंथ में दे रखा है तो जो फ्रैक्शन में ईयर आ रहा है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं, हाँ ठीक है 12 नोट करो बच्चे। सर मुझे ये बता दो जो x into 100 है, वेट कर ले रुको भी एक बार, t के लिए ऊपर ऐसा ही होता है नीचे p होती है, नहीं नीचे रेट होती है, नीचे रेट into p होती है, पहले पहले नोट करो सारे फिर बताऊंगा मैं सर, हाँ सर मुझे बस एक चीज, हाँ रुक जा पहले नोट करो, ये ऐसा ही है ये t है ना, पे चैप्टर भी कंप्लीट होता है बच्चे, ठीक है, और कल मिलते हैं, एक्सरसाइज मैंने आपको भेज रखी है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।